अब हमें दे रखा है एक आर्टिकल विच इज WTO एंड डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, पहले आप एक बार रीड करो, मैं पानी पी लूं, फिर स्टार्ट करते हैं. ओके, एज पर द प्रीएम्बल ऑफ द एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग द WTO, देयर इज अ नीड फॉर पॉजिटिव एफर्ट्स डिजाइन टू एंश्योर दैट डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्पेशली द लीस्ट डेवलपिंग अमंग देम सिक्योर अ शेयर इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कॉमेंसुरेट विद द नीड ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वो कह रहा है कि एक चीज जो भी प्रीएम्बल बनाया गया, ठीक है, किसका, WTO के एस्टैब्लिश होने का जो प्रीएम्बल बनाया गया, उसने बोला कि देखो एक बात समझनी पड़ेगी, दैट देयर इज अ नीड फॉर पॉजिटिव एफर्ट डिजाइन टू इंश्योर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्पेशली द लीस्ट डेवलपिंग अमंग देम सिक्योर अ शेयर इन ग्रोथ इन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कॉमेंसुरेट विद द नीड ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब कि अगर WTO बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड WTO की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है, मान लो, तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसकी ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा हो रहा है लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक डेवलपिंग कंट्री ने ये सोचा था कि इसमें हिस्सा लेके मुझे इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी, वो हो ही नहीं रहा. मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये चीज मुझे एंश्योर करनी है कि मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, और लेकिन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड ग्रो कर रहा है वो तो ग्रो करना चाहिए. ऐसा ना हो कि डेवलप्ड देश सिर्फ मुझे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे और जो मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मोटिव है, वो पर्पस है, वो सॉल्व ही ना हो. तो ये नहीं होना चाहिए, राइट. द स्पेशल अटेंशन टू द डेवलपिंग कंट्रीज इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोविजंस व्हिच प्रोवाइड मोस्ट फेवरेबल ट्रीटमेंट फॉर दिस ग्रुप इन टर्म्स ऑफ राइट्स एज वेल एज लोअर लेवल ऑफ ऑब्लिगेशंस. In spite of this, developing countries to feel that they are not being fairly treated, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि developing countries को ढंग से treat नहीं किया जा रहा. They are actually not getting a level of playing field in the form of adequate concessions. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जो भी चीजें deal वगैरह हो रही है उसके अंदर उनका कोई role ही नहीं है, right? Okay. नेक्स्ट समय दिया हुआ है आगे. इट इज फियर्ड दैट इन्फ्लक्स मुफास ऑफ चीप फॉरेन गुड्स अंडर द फ्री ट्रेड रीजन वुड किल डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री लीडिंग टू एन ऑल राउंड लॉस ऑफ जॉब्स. द डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी प्रोवाइडेड फ्री एक्सेस टू द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज विद नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन टैरिफ्स नॉन टैरिफ्स और अदर फॉर्म्स. वो कह रहे हैं कि एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें भी पूरा पूरा जो है एक्सेस दिया जाएगा. शुड बी प्रोवाइडेड फ्री एक्सेस टू द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज विद नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन टैरिफ्स. ठीक है, कि डेवलपिंग कंट्री को भी पूरा एक्सेस दिया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, जिसके अंदर कोई भी टैरिफ नॉन टैरिफ किसी तरीके से नहीं होगा. ठीक है, साथ ही साथ में द डेवलप्ड कंट्री शुड ऑल्सो स्टॉप सब्सिडाइजिंग द एक्सपोर्ट्स और प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर. और उनको ये भी देखना पड़ेगा कि डेवलप कंट्री किसी भी तरीके से अपने डोमेस्टिक जो एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री है उनको मतलब किसी तरह का सब्सिडी ना दे, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री के अंदर जब वो सामान जाए और वो कंपटीशन की वजह से डेवलपिंग कंट्री का नुकसान हो. तो ये चीज है. तो अब कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दिए वो पढ़ लेते हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर WTO का पार्ट बनने का. रिडक्शन सब्सिडीज एंड कंजर्वेशन रिसोर्सेज सबसे पहली चीज. इन सपोर्ट ऑफ WTO इट इज सेड दैट इट विल इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. इट विल हेल्प इन अटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी कॉमा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स विल टेक प्लेस. एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन विल बी चेक्ड एंड इट विल बिकम पॉसिबल टू कंजर्व प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. तो सबसे पहला जो फायदा इसमें दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया है कि सब्सिडीज को हटा दिया जाएगा, जो भी डेवलप्ड कंट्री लगाती है वो हटा दिए जाएंगे और आपके रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाएगा. क्योंकि देखो आप डेवलपिंग कंट्री हो, जैसा कि मैंने शायद प्रीवियस एक दो लेक्चर पहले बोला था कि यार अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडिया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आज कर रहा है. वर्ल्ड में जो बहुत बड़े बड़े देश है, US जैसा हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वो तो कब के डेवलप्ड हो चुके. ठीक है, अगर मैं उनके डेवलप्ड होने के दो, अगर मैं मॉडर्न टाइम के हिसाब से UN की बात करूं, IMF की बात करूं, वर्ल्ड बैंक की बात करूं, तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से जो ये वर्ल्ड बैंक या ये कुछ भी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपसे बात करूं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये कह रही है कि डेवलप्ड जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मान लो आपने कहा कि भाई हम डेवलप्ड हो गए तो क्या उसके बाद रुक जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा ना. यू विल कीप ऑन मूविंग. आप नई नई चीजें जो है ट्राई करते रहेंगे. तो ऐसा तो नहीं कि आप आज करके
रुक गए, ये तो बिल्कुल नहीं करने वाले, सो दैट इज द आइडिया। सो हमें यही दे रखा है इन्होंने कि इनका काम क्या होता है, जो डेवलप देश है उन्होंने ऐसे मेथड्स बना लिए हैं जिससे कि वो एक तरफ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने नेचर को कंजर्व करके बैठे हुए हैं। आप कभी भी फॉरेन कंट्रीज की चीजें देखो, वो कितना ब्यूटीफुल, उन्होंने अपने हर एक पेड़ पौधे नदियां पहाड़ सब बचा रखे हैं। वो तो हम इंडियंस हैं जो लगातार अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट की आड़ में अपने नेचुरल रिसोर्सेस को और नेचर को हार्म करते जा रहे हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज ही हैं, हम जैसे कंज्यूमर्स भी हैं। आप जानते हो कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। आप अननेसेसरी किसी भी चीज को कहीं पे भी एक गार्बेज ड्रम की तरह यूज करते हो, कंट्री को कहीं पे भी, ये गलत है। कई बार आप देखना लोगों के स्कूटर में से बहुत पॉल्यूशन आ रहा है, गाड़ी में से पॉल्यूशन आ रहा है, बट क्योंकि वो खर्चना नहीं चाहते पैसे, ठीक नहीं करवाना चाहते, इसके वजह से उनको लग रहा है ठीक है आ रहा है आ रहा है, जब मेरे पे बिल्कुल बात आन पड़ेगी तब मैं ठीक करा लूंगा, लेकिन तब तक एनवायरमेंट जितना पॉल्यूट हो रहा है पॉल्यूट होने दो। तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स। आफ्टर द रिडक्शन सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स राइज इन द वर्ल्ड मार्केट्स, राइट। एग्रीकल्चरलिस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज विल गेन बाय दिस राइज इन प्राइसेस। देखो जब आप जो सब्सिडी एग्रीकल्चर में दे रहे थे वो हटा दोगे तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो मार्केट में प्राइस था वो बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को एक फायदा होगा कि अब वो मतलब सामान को बेच करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम टू यूज इंप्रूव्ड सीड्स। फार्मर्स विल हैव द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंप्रूव्ड सीड्स प्रिपेयर्ड बाय एमएनसीज। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में हेल्प एग्रीकल्चर इन द डेवलप्ड कंट्रीज। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप डेवलपमेंट का एक पार्ट हो तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से आपको मॉडर्न हर तरह की टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हर तरह के टेक्निक्स, रिसर्चर्स, सब चीजें मिलेंगी, तो उनमें से एक इंप्रूव सीड्स भी है। सिमिलरली एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेड तो बढ़ेगा ही क्योंकि अगर आप डब्ल्यूटीओ का पार्ट है तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने मेंबर कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे और टेक्नोलॉजी भी आपके पास आएगी। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू सर्विस सेक्टर। After the incursion of trade in services under WTO proposals, developing countries will benefit. With the expansion of trade in service sector, unemployed people in developing countries will get employment. वो कह के देखो जब trade expand होगा तो उससे क्या होगा, जो developing country में लोग unemployed बैठे उनको employment आएगा। जैसे मान लो अभी तक वो agriculture कर रहे थे और वो domestic production में के हिसाब से कर रहे थे, domestic में जितना जो थोड़ा बहुत use था उसके according कर रहे थे। अभी क्या हुआ कि अब आपको पता है कि आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बनाने की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ानी पड़ेगी। सो नाउ यू विल प्रोड्यूस मोर, सो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर थिंग्स तो इसकी वजह से ट्रेड एक्सपैंड होगा और मोर प्रोडक्शन विल रिक्वायर मोर लेबर। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड विल डेफिनेटली हेल्प कि आप अपने देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाए। अब अगर मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करूं तो प्रेजेंट गवर्नमेंट लगातार फॉरेन कंट्रीज में जाकर के वहां के इन्वेस्टर्स और वहां के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून्स हैं या वहां की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उन लोगों से कनेक्ट करके वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने प्लांट्स को इंडिया में ट्रांसफर करें। कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जो भी चीजें आपको मैन्युफैक्चर करनी है, बनानी है, वो आप कहाँ पे बनाएं, वो आप इंडिया में आके बनाएं। वट it is going to like in which sense, in which way this is going to benefit India? Direct देखो, एक तो investment आ रही है, investment will lead to increase in production, production will require more labor, that means employment, employment will generate more income will generate more demand will generate more supply, so वो जो cycle है कहीं ना कहीं वो और क्या होता जाएगा, स्मूथ होता चला जाएगा। सो इन दैट वे ये बहुत जरूरी है कि अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मेजर्स। एज पर द प्रोविजंस ऑफ टर्म्स ऑफ WTO डेवलपिंग कंट्रीज stands टू गेन इट विल अलाउ द डेवलपिंग कंट्रीज टू एक्सरसाइज देयर राइट टू लिमिट एंड चैनलाइज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड। वो कह रहे कि टर्म्स के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको देखो फायदा तो होना ही होना है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ट्रिम्स में आपने बहुत सारी चीजें साइन करवा ली बट उसके अंदर प्रोविजन होता है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री अपने लेवल पे कुछ चीजों को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहती है तो वो कर सकती है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला दिया हुआ है स्लैशिंग डाउन सब्सिडी, तो सबसे पहले सब्सिडी का खत्म करना। अब सब्सिडी खत्म होने की वजह से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है वो तो बेचारा परेशान हो गया। देखो क्योंकि आप समझो इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन और इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर स्टूडेंट बहुत ज्यादा है,
और वो इतने ज्यादा हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एड्स की, गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है ही है। लेकिन जब आप WTO के मेंबर बनते हैं तो आपके पास जो आपके पास जो लाइक सब्सिडी थी वो खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से अब आप और ज्यादा पुअर सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। ब्रांडेड सीड्स पे फ्यूल एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज इन रूरल एरियाज। देखो ब्रांडेड सीड्स तो आ गए, बट नाउ हु कैन एक्चुअली अफोर्ड दोज ब्रांडेड सीड्स? ऑफ कोर्स जो भी आपकी कंट्री के रिच फार्मर्स होंगे दे कैन अफोर्ड, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा ना कि जो सब्सिडी है वो तो खत्म हो गई। जब सब्सिडी खत्म हो गई तो आपकी कंट्री के जो भी स्मॉल, ठीक है, या आपकी कंट्री के जो भी पुअर फार्मर्स हैं, दे कांट अफोर्ड इट, राइट? अब ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो रिच फार्मर्स अफोर्ड कर पाएंगे, पुअर फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से रिच फार्मर अच्छे सीड्स को यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ये वही सीड्स को यूज करके प्रोडक्शन करेंगे बिकॉज इनका आउटपुट अब ज्यादा आएगा और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, सो दे विल गेन इन द मार्केट, सो ये और ज्यादा पैसा कमा लेंगे, राइट? सो दैट इज वाई इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ट्रिम्स। एज पर ट्रिम्स डेवलपिंग कंट्री विल नॉट बी एबल टू इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन, जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है, on foreign investment, MNCs will set up industries in such countries and the domestic units of such industries will not be able to face competition. जाहिर सी बात है क्योंकि हमने ट्रिम्स में पढ़ा ना कि anywhere and everywhere in any economic activity, तो वो जब भी investments करेंगी MNCs दूसरी countries में जाकर के, उसकी वजह से होगा क्या कि वहां के domestic जो companies हैं वो अपनी market पूरी तरह से lose कर देंगे, right? Next है TRIPS. TRIPS will discourage the progress of research, comma development and innovation in the developing countries. The imposition of uniform standards for all members countries, developed and underdeveloped, will result in the discouragement of the process of research and innovation. It will only aggravate the backwardness of agriculture and medical services in the developing countries. वो कह रहे हैं कि देखो कि ट्रिप्स की वजह से क्या होगा कि जो डेवलपमेंट एंड इनोवेशन डेवलपिंग कंट्रीज में है, ठीक है, अब देखो इनके स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और इनोवेशन जो होती है वो हमेशा स्टूडेंट्स कहाँ पे होती है, वो हमेशा डेवलप्ड देशों में होती है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो कभी उस चीज को प्रमोट ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर डेवलपिंग कंट्री में चीजें प्रमोट हुई तो वी मे लूज आर पोजिशन, तो इस वजह से हमेशा वो कंट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर में ही रह जाएंगी, ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगी। अब क्योंकि डिस्प्यूट्स तो हैं, तो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म बनाए गए, क्योंकि वरना तो WTO काम ही नहीं कर पाएगा ना कभी, हर कंट्री बोलेगी ये तो इसका फेवर कर रहा है तो उसका फेवर कर रहा है, इसे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया गया। अब ये मैकेनिज्म क्या है? अ मल्टीलेटरल सिस्टम ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ फ्रीयर एनवायरमेंट फॉर ट्रेड। इट ट्राइज टू ब्रिंग अंडर इट्स पर्सपेक्टिव सेवरल इश्यूज एंड एरियाज कंसर्निंग ट्रेड एज वेल एज डेवलपमेंट। इन दिस प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइज mainly due to non-compliance of rules and regulations imposed by the trading partner. वो कह रहे कि देखो इसके अंदर क्या है कि जो भी अगर ट्रेडिंग पार्टनर किसी भी चीज को नहीं मान रहे हैं तो उस केस में क्या सेटलमेंट होगा। सो द मेंबर नेशंस अंडर WTO यूज द डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अगेंस्ट द फेलो मेंबर्स हु वायलेट द ट्रेड रूल्स एज पर WTO agreements. The dispute settlement mechanism did exist during GATT, but it lacked a formal approach due to inflexible timings, easy overruling through blocking of negotiations, and inconclusiveness of several disputes. The current dispute settlement system was established and embodied under the WTO agreement during the Uruguay round of multilateral trade negotiations in 1986. वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि GATT में क्या कमी थी और WTO ने उसको कैसे इम्प्रूव किया। चलो तो पहला दिया हुआ है इसके अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी टू द मल्टीलेटरल सिस्टम डिस्प्यूट सेटलमेंट बिकम्स कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स इन ट्रेड रेदर देन स्टेट एज अ होल। वो कह रहे कि सबसे पहले इसके अंदर क्या किया गया कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बिकम्स कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल एजेंट इन ट्रेड रेदर देन स्टेट। वो कह रहे हैं कि स्टेट को काम करना चाहिए कंट्री को रेदर देन कि जो इंडिविजुअल एजेंट है वो काम करे, राइट? दीज ऑब्जेक्टिव नीड टू बी अचीव्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कमर्शियल प्रोसेस इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट असाइड। वो कह रहे हैं कि इस ये सिस्टम को बनाया गया ताकि जो चीजें बताई गई हैं उन्हीं को एडहेर करके उसी के ऊपर काम किया जाए। विद द सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड द यू एंड यूजिंग द प्रिंसिपल्स इक्विटेबल fast effective and mutually acceptable system the Uruguay round introduced a more structured approach to the dispute settlement mechanism।
तो इस तरीके से जो यूरोगे राउंड हुआ उसने एक ज्यादा स्ट्रक्चर अप्रोच जो है उसको दिया, प्रिजर्विंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर्स. An offended member, in case of non-compliance of agreement by a host party, can call upon the procedures and provisions of dispute settlement in order to question the act of inconsistency in measures or adoptions of trade detrimental policy by the violating member. वो कह रहे कि देखो होगा क्या, मान लो जो offended है, मतलब जिसके साथ बुरा हुआ, वो क्योंकि उसके साथ जो भी compliances है उनको follow नहीं किया गया, तो वो क्या कर सकता है, वो जो आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, उसके थ्रू एक प्रॉपर मीटिंग हेल्ड की जाएगी जिसके अंदर जिस कंट्री ने, जिस ट्रेडिंग पार्टनर ने रूल्स को वायलेट किया है, उनसे सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आपने ये चीजें जो रूल्स को फॉलो नहीं किया, एडर नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, राइट. क्लेम्स बाय द पार्टीज आर असेस्ड बाय इंडिविजुअल पैनल्स एस्टैब्लिश्ड आउट ऑफ द मेंबर नेशंस एंड एपेलेट बॉडी. In case of the grievance prevails, the undesired action, the form of retaliating policies, countervailing duties are secondary and subjective. वो कह रहे कि अगर मान लो जो भी पार्टी है वो पाई गई कि उसके साथ उसने सच में गलत हुआ है, तो उस केस में जो भी आपको ड्यूटीज वगैरह पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी वो दी जाएंगी. ड्यूटीज आगे, द सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर क्लैरिफिकेशन बाय द रिस्पोंडेंट टू डिफेंड एंड जस्टिफाई द मूव. वो कह रहे कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जिसने बोला कि भैया मैं ऑफेंडेड हूँ मेरी बात ही सुनो, ऐसा नहीं होगा. जो सामने जो पर्सन एक्यूज है उस कंट्री के बारे में भी सारी चीजों को सुन समझ के फिर ही डिसीजन लिया जाएगा. नेक्स्ट, क्लैरिटी ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. द लीगल प्रोविजंस stated in the agreements are generalized applications which become stringent during implementation due to the multiplicity of negotiations. Different parties to the dispute might interpret the rules and regulations differently. क्योंकि देखो हो सकता है कि हर एक पार्टी अपनी तरफ से अलग इंटरप्रिटेशन करे. सो द डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम एम्स एट सिंपलीफाइंग द प्रोविजंस ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिक इंटरनल लॉ. वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि हर कंट्री लॉ को अपनी कंट्री के लॉ के हिसाब से कॉन्साइड करके कुछ इंटरप्रिटेशन अलग करे. इसीलिए जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो क्या करेगा, डब्ल्यूटीओ के जो भी एग्रीमेंट है उसको अच्छे से एक एक रूल को क्लैरिफाई करेगा, राइट. नेक्स्ट, म्यूचुअल सॉल्यूशन. The dispute settlement aims at mutual settlement in harmony with the WTO agreement. The aim is not at all to create rulings and adjudication of matters. Priority is given to settlements beyond investment of DS bodies through consultations. वो क्या है कि जो dispute सेटलमेंट सिस्टम है उसका काम किसी भी तरीके से ये नहीं है कि बस मैं रूल कर रहा हूं और मेरी बात सुनो. उसका काम है सेटलमेंट लेके आना, ठीक है, कंसल्टेशंस के थ्रू, जिससे कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में इस तरह की कोई भी जो नॉन कंप्लायंसेस है वो ना हो. प्रमोट डिस्प्यूट सेटलमेंट. इंस्टेंट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इज डिफिकल्ट टू अचीव ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्लेंट्स. हाउएवर दिस द एम इज टू रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन द एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग दैट. वो कह रहे कि देखो कोई भी कंट्री का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एग्जिस्टिंग अभी के अभी नहीं हो पाएगा, बट कोशिश इनका रहता है कि प्रॉम्प्ट हो, जितना जल्दी ज्यादा हो सके डिस्प्यूट सेटलमेंट उतना ज्यादा क्या होना चाहिए, जल्दी, क्विक. मैंने गलती से शायद प्रमोट बोल दिया था, बट दिस इज प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्विक, ठीक है. अवॉइडिंग यूनिलेटरल डिसीजन. द मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस एम एट अवॉइडिंग क्रिएशन ऑफ हेजेमनी और डोमिनेंट पोजीशन बाय डिफॉल्टिंग नेशंस व्हिच कुड रिजल्ट इन ओवरराइडिंग बिहेवियर. व्हाटएवर एक्शंस आर अंडरटेकन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट एंड द काउंटर मेजर्स टेकन मस्ट कंप्लाई विद द डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड. वो कह के देखो जो मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस है उसका काम क्या है, हेजेमनी और डोमिनेंट पोजीशन बाय डिफॉल्टिंग नेशन व्हिच कुड रिजल्ट इन ओवरराइडिंग बिहेवियर. वो कह रहे कि इनका काम क्या है कि जिस जो डोमिनेंट पोजीशन पे आ रही है जो कंट्रीज ने गलत किया उसके उस चीजों को ओवरराइड करना, उसके उस बिहेवियर को खत्म करना. व्हाटएवर एक्शंस आर अंडरटेकन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट. जो भी एक्शन लिए जाएंगे वो एग्रीमेंट के हिसाब से लिए जाएंगे और पूरी तरीके से ये देखे जाएंगे कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड है वो भी सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करके ही कोई डिसीजन ले, अपने बिहाफ पे अपने मन से कोई डिसीजन ना ले. कंपल्सरी एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन. ओके, सो द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इज अ मैंडेट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ एज द सिस्टम इज इंक्लूसिव टू द एग्रीमेंट. So the disputes arising out of the agreement can only be settled here. Okay, the dispute settlement mechanism is a mandate for all the members of WTO. Ye sare WTO members ke liye mandate hai. It is a system of inclusive
टू द एग्रीमेंट। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें जो भी एग्रीमेंट बनाया जा रहा है वो एग्रीमेंट कुछ इस तरीके से फ्रेम हो कि चाहे छोटे लेवल पे लोग हों चाहे बड़े लेवल पे लोग हों, वो किसी भी लेवल पे लोग हों, उन सबको इंक्लूड करके ही एग्रीमेंट जो है वो बनने चाहिए। तो दैट इज कंपल्सरी एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, राइट। नेक्स्ट है पार्टीज इन डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट सेटलमेंट कौन कौन सी पार्टीज है, मेंबर गवर्नमेंट्स आर दी ओनली पार्टिसिपेंट्स विच एक्ट एज अ पार्टीज और थर्ड पार्टीज, नो अदर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन और लोकल बॉडीज कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्प्यूट सेटलमेंट हियर, ठीक है। तो जो मेंबर गवर्नमेंट्स है मतलब जो भी कंट्री मेंबर्स है उन्हीं की जो गवर्नमेंट है सिर्फ वही बन पाएंगे, इसके अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन कोई और ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इसका पार्ट नहीं बन सकता, राइट। आगे देखो हमें क्या दिया हुआ है, दी अग्रीव पार्टी इज रेफर्ड टू एज, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, दी अग्रीव पार्टी इज रेफर्ड टू एज कंप्लेनिंग पार्टी और द कंप्लायंट, ओके। द डिफॉल्टर और द ओपोनेंट पार्टी इज कॉल्ड पार्टी to whom the request of for consultation is addressed. So, देखो वो कह रहे कि aggrieved party है, ठीक है, कौन सी party? Complaining party, ठीक है, and defaulter party है, जिसे हम क्या बोलेंगे, party to whom the request for consultation is addressed, मतलब जिसके जिसके लिए complaint की गई थी। Private individuals, companies and non-governmental organizations don't have an access to DS system. वो कह रहे कि कोई भी private individual हो या कोई company हो या कोई non-governmental organization हो उनको डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ कौन है, सिर्फ मेंबर गवर्नमेंट्स ही हो सकते हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ही सेटलमेंट का पार्ट बनेगी, कितनी भी बड़ी कोई प्राइवेट बिजनेस का पर्सन कोई क्यों ना वो नहीं बन सकता। दे कैन नॉट इवन इनिशिएट अ डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर, वो कह रहे कि ये लोग डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर को इनिशिएट भी नहीं कर सकते, राइट। दे सबमिशंस कैन बी रेफर टू at the discretion discretion of appellate body or panels which is not binding, private individuals companies and non governmental organization don't have access to DS system, they cannot even initiate a dispute settlement procedure, their submissions can be referred to as a repeat ho gaya sorry matlab wo agar submission karte bhi hai to unhe appellate body or panels jo hai wo bola jayega jo ki binding nahi hai,